गाइस एक्सेल में हम आज आपको बहुत ही एडवांस ट्रिक बताने वाले हैं। हमारे पास एक ये लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है। अब इसी नाम को हम चाहते हैं कि यहाँ पास हिंदी में आ जाए, तो इसको अपने को क्या करना है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे कहाँ पास, इंटरनेट पर। इंटरनेट में जाएँगे और यहाँ पास डॉट्स हैं, इनको क्लिक करके और सीधे हम चले जाएँगे गूगल सीट में। ये अपने पास सीट आती है, गूगल सीट को अपन क्लिक करेंगे। गूगल सीट क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है। यहाँ पास ब्लैंक है, ब्लैंक ऑप्शन को अपन सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक ऑप्शन में यहाँ पास हम क्लिक करके जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये अपने यहाँ पास डाटा आ जाता है। डाटा आने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ अपने को क्या करना है, हिंदी में चाहिए। हिंदी के लिए अपने को पहले डबल इक्वल लगाना है और यहाँ लिखना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट। इसके बाद हम यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसको अपने को ट्रांसलेट करना है। ये सेलेक्ट किया, कामा लगाया, फिर डबल कोट लगा करके ई एन लिखेंगे और डबल कोट बंद करके फिर कामा लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एच आई, फिर डबल कोट लगा करके और इसको कोष्टक को बंद करेंगे, फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पास जो इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पास शो होने लगता है। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करते हैं तो यहाँ पास जितने भी इंग्लिश में नाम थे वो सभी हिंदी में शो होने लगते हैं। फिर हम इसको अगेन कॉपी करते हैं जो अपने वहाँ से किया था। कॉपी करने के बाद ले जा करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारा नाम हिंदी में था, यहाँ पास देख पा रहे हैं इंग्लिश में था, वो हिंदी में भी शो हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।